सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा। आप आज हम कृष्णा तो इस वीडियो में हम माइनक्राफ्ट के सैंड आर्ट के ट्यूटोरियल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक बॉर्डर लाइन बनानी पड़ेगी। आप चाहें तो बना सकते हैं, ना चाहें तो नहीं बनाएं, लेकिन अगर आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत हमारा सैंड आर्ट दिखता है। तो बनाने के लिए आप किसी भी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ब्लैक कॉन्क्रीट ब्लॉक, क्योंकि ब्लैक कॉन्क्रीट एकदम डार्क ब्लैक होता है जो हमारे बॉर्डर लाइन के लिए एकदम परफेक्ट कलर है। फिर दोस्तों, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फेसबुक का लोगो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे 9x11 का बॉर्डर लाइन बनाना पड़ेगा। फिर दोस्तों, आपको एक साइड में किसी बॉर्डर के अंदर साइड में दो ब्लॉक्स टिक करना है, फिर वहाँ पे पिस्टन लगाना है। आप स्टिकी पिस्टन, नॉर्मल पिस्टन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इनको सब आपको लीवर लगा के रेडस्टोन प्रोवाइड करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनके ऊपर आपको कोई भी ब्लॉक लगा देना फर्स्ट लेयर में, और सेकंड लेयर में वही ब्लॉक रहेगा जो आपके सैंड आर्ट में है। देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लीवर लगा दिया और सबको रेडस्टोन प्रोवाइड कर दिया। गाइस, जैसे आपने सारे पिस्टन्स को रेडस्टोन प्रोवाइड कर दिया, फिर हम बाकी के जितने खाली जगह उनको ब्रास ब्लॉक ऐड कर देंगे, ताकि हमारा सैंड आर्ट काफ़ी अच्छा दिखे। ओ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एक पिस्टन को रेडस्टोन प्रोवाइड करना हम भूल गए हैं, फिर से लगा देते हैं। और ये हो गया, यहाँ पे भी एक ब्रास ब्लॉक ऐड कर दिया। अब दोस्तों, हमारी जो सेकेंड लेयर है सैंड आर्ट की, वहाँ पर आपको टॉर्चेस प्लेस करने हैं, ताकि आगे के ब्लॉक्स हवा में रहें, ग्रेविटी ब्लॉक्स भी। फिर दोस्तों, इनके ऊपर अभी आपको आपके सेकंड रो की शुरुआत करते हुए ब्लॉक्स प्लेस करते जाना है। फिर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बस आपको लीवर को ऑफ करना है और कुछ ऐसा आपका ट्यूटोरियल दिखेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।